मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं, जहां पर एक सवाल बीजेपी संगठन के लिए सामने आता है कि क्या फेरबदल से होगा फायदा। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इसे देखते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी में फेरबदल का जो दौर है वो जारी है। पार्टी ने संभागीय कार्यालय में मंत्री और जिला प्रभारियों के कामकाज के बदलाव कर दिए हैं और कोर कमेटी की बैठक के बाद लगातार प्रदेश बीजेपी बड़े फैसले भी ले रही है। पार्टी ने सत्ता संगठन की मजबूती और कमजोरियों पर सभी नेताओं की राय जानने के बाद पार्टी ने भोपाल सहित कुछ संभागों के प्रभारियों की जिम्मेदारी में बदलाव कर दिया है। तो पार्टी ने बदलाव किए हैं, बदलाव करने के पीछे यही मंशा है कि आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन चुनावों में पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके, संगठन पहले से और ज़्यादा मजबूत हो सके, जो खामियां हैं उनको समय रहते दूर किया जा सके। तो संगठन स्तर पर जो बदलाव है वो अब तेजी से किए जा रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में वीरी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि वक्त की अहमियत क्या है और नए पदाधिकारियों को, नए कार्यकर्ताओं को, संगठन के पुराने नेताओं को, सभी को बैलेंस करते हुए ये फेरबदल करने की कोशिश है। बैठकों का दौर भी जारी है और इसके बाद उस पर निर्णय भी लगातार लिए जा रहे हैं, कई कठोर निर्णय लेने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी को हर पैमाने पर पूरी तरीके से मजबूत किया जाए।